नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसीएन न्यूज प्राइम टाइम इस खास पेशकश पर, और मैं हूं रत्नाकर और मेरे साथ में ही इमरान। इमरान, फिर से आपका स्वागत है। जी हाँ, बिल्कुल, हम आज फिर से आपको वही विषय दोहराने जा रहे हैं, कोरोना वायरस। जी हाँ, कोरोना वायरस ने पूरे दुनिया के साथ साथ महाराष्ट्र और पूरे देश की स्थिति को बहुत गंभीर बना के रखा हुआ है, और ये हमारे लिए एक आगे जाने के लिए बहुत ही शोचनीय अवस्था से हम गुजर रहे हैं। आज भी अगर हम अपने आप को क्वारंटाइन रखे और उन क्वारंटाइन अपने आप को कंट्रोल में रखे, तो कहीं ना कहीं ये जो देश के आंकड़े हम आपको भी दिखाने जा रहे हैं, हम आपको विदर्भ के आंकड़े दिखाने जा रहे हैं, नागपुर के आंकड़ों से हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। अगर हमें इन आंकड़ों को अगर कहीं ना कहीं रोकना है, तो ये बेहद जरूरी है कि हम पूरी तरह से अपने आप को काबू में रखें। कहीं ना कहीं स्थिति को हम इन आंकड़ों को बढ़ने से रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि हम आज अपने आप को इस बीमारी से जूझने के लिए तैयार रखें, अपने आप को अलग रखें। क्या कहोगे आंकड़ों के बारे में मीमरा? जी हाँ, पूरे देश के जो आंकड़े हैं अब तक के आंकड़े जो है 23,000 पार कर चुके हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र में गुरुवार का दिन बेहद ही एक सनसनी भरा रहा। 750 से ज्यादा मरीज एक दिन में पाए गए, और पूरे देश की बात करें तो गुरुवार को एक रिकॉर्ड माना जाएगा सबसे ज्यादा आंकड़े बढ़ने की। 1700 से ज्यादा के आंकड़े एक ही दिन में 24 घंटे के भीतर ही 1700 से ऊपर में वो आंकड़े चले गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा अपने आप में कहा जाएगा, और ये एक गंभीर भी विषय है। और मृतकों की बात की जाए तो 720 यह आंकड़ा मृतकों का हो चुका है। पिछले 24 घंटे में 35 मौतें हो चुकी है। ये भी एक बहुत ही शोचनीय विचार है। और हमें अगर हम देश की बात करें और देश के विभिन्न राज्यों की अगर बात करें, तो उन आंकड़ों की अगर बात करें तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको गुरुवार रात तक के आंकड़ों से हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। हमारे सामने यहाँ पर ग्राफिकल जो है पूरा भारत का मानचित्र है। महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो सबसे आगे जो है महाराष्ट्र चल रहा है। जी, आप मैप के माध्यम से देख भी पा रहे होंगे कि रेड जोन, शहर का रेड जोन भारत के मानचित्र के हिसाब से महाराष्ट्र जो है एकदम ही रेड जोन में आ गया है। 6,430 यहाँ पर जो लोग हैं वो कोरोना ग्रसित हैं, जिसमें से ये एक और गंभीर मुद्दे से हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि 6,430 में से 269 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। जी हाँ, बहुत एक सेंसिटिव एरिया, और सबसे ज्यादा आपको बता दूं इसमें से 3,000 का आंकड़ा तो अकेले मुंबई में है। ये भी एक मुंबई, और मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई पर भी हम आएंगे जब हम महाराष्ट्र की बात करेंगे। धारावी जैसी जो झोपड़पट्टियां हैं, कई ऐसे इलाके हैं मुंबई में जो डेंस एरिया करके कहे जाते हैं, उन डेंस एरिया में भी कोरोना से ग्रसित जो है वो रोगी पाए गए हैं। तो ये मुंबई के लिए और एक खतरे की घंटियां जो है लगातार बजती जा रही। महाराष्ट्र के बाद में हम चलते हैं, महाराष्ट्र के नीचे जो है गुजरात है। गुजरात की भी संख्या हम आपको बता दें, 2,407 जो है पॉजिटिव केसेस वहां पर है, जिसमें से 103 लोगों की जो है मौत गुजरात में हो चुकी है। जी हाँ, गुजरात जो आप देखे कि कितने स्पीड से वहाँ डेवलप हो रही है, पॉजिटिव की संख्या मिल रही है। वही अभी देश की राजधानी की ओर जाते हैं, दिल्ली। दिल्ली की अगर बात करें तो 2,248 केसेस पॉजिटिव पाई गई है, और 48 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। दिल्ली से नीचे उतरते हैं हम लोग, राजस्थान की अगर बात करें तो ये भी आंकड़ा लगभग 2000 तक जा रहा है। 1,935 केसेस वहां पर पॉजिटिव पाए गए हैं, और 1,935 में से 27 लोगों की मौतें जो है राजस्थान अकेले इस राज्य में हो चुकी है अब तक। जी हाँ, और तमिलनाडु की अगर बात करें तो 1,632 लोग पॉजिटिव पाए गए, और उसमें से 18 लोगों की जो है डेथ वहां पर हो चुकी है। मॉर्टेलिटी रेट जो है वो 18 लोग वहां पर जो है कोरोना ग्रसित जो थे उनकी अब तक मौत हो चुकी है। तमिलनाडु के बाद में मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जो कि महाराष्ट्र से सटा हुआ है। 1,587 रोगी यहां पर है जो कोरोना से ग्रसित है, उसमें से 80 लोगों की इमरान जो है वहां पर जो है डेथ हो चुकी है। तो ये आंकड़े जो है स्टेट वाइज जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात करें, 1,450 लोग उत्तर प्रदेश में जो है ग्रसित है, उनमें से 21 लोगों की मौत वहां पर हो चुकी है। जी हाँ, वही तेलंगाना की ओर आते हैं। तेलंगाना के बारे में आपको बता दें, तेलंगाना में लॉकडाउन का समय बढ़ चुका है, बढ़ा दिया गया है। 7 मई तक लॉकडाउन का समय तेलंगाना सरकार ने बढ़ाया है। वहां 943 लोगों अभी तक पॉजिटिव पाए गए, और 24 लोगों की मौत भी हो चुकी है।
आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो 813 लोग जो है आंध्र प्रदेश में अब तक ग्रसित पाए गए, जिनमें से 24 लोग जो है आंध्र प्रदेश में जो है वो मौत के अधीन हो चुके हैं। 813 के मुकाबले जो है 24 का आंकड़ा अपने आप में काफी बड़ा आंकड़ा हम कह सकते हैं। भारत देश के बाकी हम चीजों की अगर बाकी राज्यों की भी हम अगर बात करें तो इसमें से वेस्ट बंगाल आंकड़ों के ऊपर हम थोड़ा सा स्पीडली चलते हैं जी, आंकड़ों के ऊपर में इमरान, ताकि हमें और भी जो हमारे महाराष्ट्र और जो विदर्भ की बात करनी है। वेस्ट बंगाल में 465 कोरोना ग्रसित है, जिनमें से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। हम आगे चलते हैं, कर्नाटका में 413 लोग जो ग्रसित है, उनमें से 17 लोगों की जो है यहाँ पर डेथ हो चुकी है। जी हाँ, वही केरला की बात करें की जाए तो केरला में 437 लोगों की कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वही जम्मू कश्मीर की ओर आते हैं, वहां 407 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, उसमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ओडिशा की अगर हम बात करें तो ओडिशा में 83 लोग जो है वो कोरोना ग्रसित है, जिसमें से 1 की जो है यहाँ पर मौत हो चुकी है। झारखंड में 49 कोरोना ग्रसित है, जिनमें से 3 व्यक्तियों की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। वही पंजाब की ओर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 278 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, वही 16 लोगों की मौत हो चुकी है। और हरियाणा की बात कही जाए तो हरियाणा में 264 का आंकड़ा बढ़ चुका है, 3 लोगों की वहां मौत हुई है। और बिहार में आते हैं तो 143 लोगों पॉजिटिव पाए गए हैं और 2 लोगों की वहां मौत हो चुकी है। इस तरह से जो आंकड़े हैं दिन ब दिन सभी स्टेट वाइज जो है बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सारे स्टेट वाइज कहीं पूरे हमारे अगर देश की बात करें तो कहीं ना कहीं आंकड़ों को रुकना, उनका थमना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाता है। बाकी जो हम स्टेट की बात करें उनमें से उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में 46 लोग अभी तक कोरोना से ग्रसित है। राहत की बात यह है कि अब तक उत्तराखंड में कोई भी कोरोना ग्रसित की मौत नहीं हुई है। और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में 39 लोग कोरोना से ग्रसित है, जिसमें 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जी हाँ, और वो असम की ओर जाए तो असम में 36 लोग अभी तक संक्रमित पाए गए हैं और वहाँ 1 की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 36 लोग अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं, अब तक वहाँ किसी की जीवित हानि की बिल्कुल खबर नहीं आई है। चंडीगढ़ की हम बात करेंगे, चंडीगढ़ में 27 लोग कोरोना से ग्रसित है, मौत अभी तक किसी की नहीं हुई है, तो ये एक राहत की बात यहाँ पर दिख रही है। अंडमान निकोबार जो ये छोटे छोटे राज्य है केंद्र शासित, यहाँ पर 18 लोग है अंडमान निकोबार में, मौत अभी तक किसी की नहीं हुई है। लद्दाख में 18 लोग हैं, मौत अभी तक किसी की नहीं हुई है। मेघालय ये छोटा सा जो स्टेट है, यहाँ पर भी अब तक 12 लोग जो है ये कोरोना ग्रसित से हैं। गोवा की बात करें तो गोवा में अब तक शुरुआत से लेकर अब तक इमरान, गोवा एक ऐसा स्टेट है कि जहाँ पर टूरिज्म काफी है, तो इसके बावजूद गोवा में 7 केस पहले से लेकर अब तक आइडेंटिफाई हुए और वो सातों के साथ जो है निगेटिव हो चुके हैं, क्योर हो चुके हैं और अपने अपने घर जा चुके हैं। और अब तक अब के शुरुआत से लेके जब से हम कोरोना की बात कर रहे हैं काफी महीने हो गए, एक टूरिज्म स्टेट होने के बावजूद भी कोरोना ने कोरोना से के ऊपर में गोवा ने बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया होगा। ये अपने आप में इस स्टेट को हमें फुल मार्क्स भी देने पड़ेंगे इस जी हाँ, अभी गोवा को कहा जाएगा कि गोवा कोरोना मुक्त है। जी, कोरोना मुक्त गोवा जैसा स्टेट जो कि टूरिज्म का एक पूरे देश में या पूरे विश्व बाकी फॉरेन से भी काफी लोग आते हैं। COVID-19 की अगर हम बात करें पूरे भारत में, हम अगर महाराष्ट्र में आए तो ये भी एक देखने वाले आंकड़े होंगे। नागपुर के आंकड़ों पर हमें बात करनी है, विदर्भ के आंकड़ों पर हमें बात करनी है। प्राइम टाइम में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हम आपसे फिर बात करेंगे, आंकड़ों पर नजर डालेंगे महाराष्ट्र स्टेट विदर्भ और नागपुर के अपने, बने रहिए हमारे साथ में रिसेंट न्यूज का। आपके मोबाइल पर बस आपको जाना है प्ले स्टोर में और टाइप कीजिए NBCN और आपको मिल जाएगा NBCN मोबाइल ऐप। इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद विदर्भ की सारी न्यूज आपकी उंगलियों पे, जैसे क्राइम, स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल, बिजनेस और बॉलीवुड।
और एंड्रॉइड की तरह आप भी हो जाइए अपडेट, क्योंकि इनबीसीएन ऐप आपको रखे फुल अपडेट। नमस्कार, फिर से एक बार आपका ब्रेक के बाद स्वागत है प्राइम टाइम इस खास पेशकश में। हम लोगों ने अब तक देखे भारत के जो स्टेट्स हैं उनके आंकड़ों के ऊपर में हमने नजर डाली। इमरान, फिर से आपका एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे थे कोरोना के जो बढ़ते हुए आंकड़े, सचमुच चिंतनीय विषय है। जब कोरोना की शुरुआत हुई थी भारत वर्ष में, हम इसके जो आगा जो त्रासदी शुरुआत हुई थी, कई ऐसे त्योहार थे जो हमें घर में अंदर ही बैठकर मनाने पड़े। जी हाँ, रामनवमी के रामनवमी गुड़ी पड़वा की जो शुरुआती दौर था, 22 तारीख से नागपुर जैसी स्थिति में जगह पे जो लॉकडाउन घोषित किया था, 25 तारीख को गुड़ी पड़वा था, उसमें रामनवमी आई, बिल्कुल 9 दिनों के बाद में रामनवमी थी और हनुमान जयंती। जी, हनुमान जयंती। तो ये सारे त्योहार जो है पूरे देशवासियों ने, पूरे महाराष्ट्रवासियों ने अपने घर में ही बिताए हैं। आज एक खास मौका और है। मैं आपको मुबारकबाद के साथ में, रमजान का आगाज हो चुका है, आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी, अपने दर्शकों को बीसीएन न्यूज की तरफ से, नागपुर मेट्रो समाचार की टीम की तरफ से रमजान, माहे रमजान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं। तो इस मौके पर भी हमारा सबका कर्तव्य, हमारे जितने भी मुस्लिम भाई है, रमजान का महीना बहुत ही सादगी से मनाते हैं। एक दौर होता है इसमें कि जो नमाज जो है वो मस्जिद में पढ़ी जाती है, तो इस बार तो ऐसा ना हो सके, क्या अपने घर में हम लोग इबादत करें, घर में हम लोग नमाज अदा करें। बिल्कुल बिल्कुल, नागपुर पुलिस और महाराष्ट्र की पुलिस की ओर से भी पूरे शहर में जगह जगह पे मौलाना के थ्रू एक संदेश दिया जा रहा है कि जो भी इबादत है, माह रमजान के मौके पे इबादतें होती है, सहरी होती है, सुबह शाम को इफ्तार होता है, उसके बाद तरावी की नमाज रहती है, जी हाँ, वो घर में पढ़िए। जी बिल्कुल, और इनबीसीएन के माध्यम से हम सहरी और इफ्तार की जो समय सूची है वो हम हमारे दर्शकों तक जरूर बता देंगे। एक बार फिर से गुजारिश है कि जो भी रमजान का जो महीना चल रहा है, हम घर में ही रहे, घर से ही इबादत करे और अल्लाह से दुआ करे कि ये जो कोरोना नामक त्रासदी है वो तुरंत जल्द से जल्द इस देश से, इस पूरे विश्व से दूर हो जाए। जी हाँ, और बीसीएन न्यूज के माध्यम से आप घर में इफ्तार पार्टी का, अगर घर में घर में ही फैमिली के साथ इफ्तार करते समय कुछ वीडियोस हम बिल्कुल आप हमारे 9133005662 ये नंबर हम लोगों ने शेयर किया गया है, इस नंबर पर आप अपने वीडियो जो है इबादत के या जो आप इफ्तार करते हैं उसके आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। ये हम अपने हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों के साथ में जरूर साझा करेंगे। जी हाँ, और अब आते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र के आंकड़े आप देख सकते हो यहाँ पे। गुरुवार शाम की एक रिपोर्ट है जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से दी गई थी, जिसमें 6430 का आंकड़ा बताया गया था। एक दिन में 770 करीब आंकड़े प्लस हुए थे। एक दिन में जो 778 लोगों का आंकड़ा पढ़ना, ये बहुत ही महाराष्ट्र के लिए एक चिंताजनक विषय है, जिसमें अकेले मुंबई में 3000 से ज्यादा का आंकड़ा इस वक्त है। बिल्कुल हाँ, और उसमें बताया जाए कि 283 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जी, और 6430 में से हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 789 लोग जो है रिकवर हो चुके हैं। और आज की डेट में महाराष्ट्र में एक्टिव जो है, गुरुवार रात की रिपोर्ट है, इसमें 4591 कोरोना ग्रसित जो है वो इस वक्त एक्टिव है, मतलब वो कोरोना से ग्रसित है और इनका इलाज जो है अपने अपने जगह पर चल रहा है। तो ये इस तरह के आंकड़े हैं इमरान, जो कि एक चिंता का विषय महाराष्ट्र के लिए बना हुआ है, पूरे देश की, पूरे विश्व की स्थिति जो है एक पैरामीटर पर आगे की ओर बढ़ती जा रही है। वही विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में 150 से ऊपर आंकड़ा चले गया है। जी हाँ, वही नागपुर का बात करें तो नागपुर में शतक हो चुका है। शुक्रवार के दिन 100 लोग कोरोना पीड़ित पाए गए, उसमें से एक की मौत भी हो चुकी है। ये एक की मौत हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, सतंजयपुरा निवासी एक जो ग्रसित व्यक्ति थे, वो उनके किसी और बीमारी के चलते उन्हें एडमिट किया गया था और उसके पश्चात जो है ये पाया गया उनके टेस्ट के उपरांत कि वो पॉजिटिव है। और इस एक व्यक्ति के बाद में इस एक व्यक्ति से संबंधित लगभग 200 लोगों को क्वारंटाइन किया गया और उनमें से काफी 50 के ऊपर में लोग जो है नागपुर में पॉजिटिव पाए गए हैं, जो इस व्यक्ति के संपर्क में आए हुए थे। जी हाँ, वो चेन के बारे में आपको बता दूं, 3 अप्रैल के दिन रात में 4 बजे, अब वो पैठे 5 या 4 बजे वो व्यक्ति मेयो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उनको ऑलरेडी टीबी थे और उनकी मौत 4 अप्रैल को होगी। 4 अप्रैल को होने के बाद 5 अप्रैल को उनकी टेस्ट की रिपोर्ट आई और वो पॉजिटिव पाई गई। जी,
जी हाँ। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर उसके बाद उनकी फैमिली, फिर वो बढ़ते 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 एक फैमिली के एक चैन 55 लोगों को बीमार कर चुकी है जी। और ये आंकड़ा और भी बढ़ने के चांसेस है क्योंकि कई लोग इनसे जुड़े हुए हैं जिनकी टेस्ट अभी होना बाकी है। और एक सरकारी आंकड़े जो महानगर पालिका ने जारी किए थे उनके अनुसार लगभग 200 लोग जो है ये सतरंजीपुरा की जिनके डेथ हुए उससे रिलेटेड जो है वो 200 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और वो समझे थे उनके टेस्ट अभी होना बाकी, जैसे जैसे टेस्ट बढ़ेगी तो चांसेस है कि आंकड़े बढ़ेंगे। विदर्भ की हम बात करते हैं इमरान, तो विदर्भ में 11 डिस्ट्रिक्ट है, 11 डिस्ट्रिक्ट के आंकड़ों के ऊपर में हम एक नजर डाल देते हैं। नागपुर की हमने बात कर दी, 100 लोग यहाँ पर ग्रसित है जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। बुलढाणा 21 जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। यवतमाल की अगर बात की जाए तो गुरुवार का दिन वहां बेहद ही डरावना रहा। जी हाँ, 9 पॉजिटिव एक दिन में पाए गए, गुरुवार को 9 पॉजिटिव पाए गए, इसके पहले 18 पॉजिटिव में जी। यवतमाल का हमने स्कोर देखा इमरान की, यवतमाल में अगर होता है एक ही दो दिन में कुछ भी नहीं निकलता और एक ही दिन में फिर 7 और 8 लोग जो है एकदम अचानक से जो है बढ़ने की जो है वो संख्या जो है मल्टीपल होती जा रही है। जी हाँ, वो एक वही एक सिस्टम चला है जो बोल रहे की चैन तोड़ने का सवाल आ रहा है। जी, जो चैन थी उस एक चैन से जो मिले थे लोग उनको क्वारंटाइन रखा गया था, उनकी जब टेस्ट हुई तो तब पता चला एक साथ 7 लोग पाए गए कल, फिर उसके बाद शाम ढलने तक 2 और पॉजिटिव पाए गए, टोटल 9 केस पॉजिटिव के साथ 27 केसों के साथ। ये एग्जांपल जो इमरान आप बता रहे हैं ये उन लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है जो आज भी अनावश्यक अपने घर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता हम किन व्यक्तियों के संपर्क में आ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे हम हाथ मिला रहे हैं और किस कारणवश उनके संपर्क में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हम ऐसा करके अपने आप को एक खतरे में डाल रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा अलर्ट है, आप जितने भी लोग हैं अपने आप को अपने घरों में रखें, ये बेहद जरूरी है क्योंकि इस तरह से अगर आंकड़े बढ़ते गए तो कहीं ना कहीं हम अपने परिवार को, हमारे देश को, हमारे शहर को खतरे में डालने के लिए हम कहीं ना कहीं कैरियर जो है साबित हो सकते, तो कृपया ऐसा ना करें। आगे बढ़ते हैं, अकोला में 16 लोग अभी तक कोरोना से ग्रसित है जिसमें से अभी तक कोई भी हताहत नहीं हुआ है। जी हाँ, अमरावती के लिए एक मैं आपको बात बता दूं, अमरावती में 4 लोगों की मौत हो चुकी और ये चारों भी जब चारों के भी देहांत होने के बाद पता चला है कि उनको कोरोना पॉजिटिव। ये देखिए, ये कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि मृत्यु के पश्चात ये आइडेंटिफाई होता है कि इस व्यक्ति को जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो एक चीज ये है कि उस व्यक्ति से रिलेटेड मल्टीपल नंबर जो है उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उनको क्वारंटाइन करना, फिर उनकी ट्रीटमेंट करना, ये अपने अपने चैलेंज हो सकता है। बुधवार और गुरुवार का दिन अमरावती के लिए बेहद अलग रहा, 2-2 पॉजिटिव रोज मिले। बुधवार के दिन 2 पॉजिटिव मिली, महिलाएं मिली वहां पे पॉजिटिव और वो उनकी डेट हो चुकी थी, उसके बाद उनकी रिपोर्ट आई और वो पता चला कि कोरोना पीड़ित थे। ये भी एक चिंता का विषय है अमरावती वासियों के लिए और कहीं ना कहीं ये सिलसिला थमना बहुत जरूरी है। वाशिम में एक है, गोंदिया में एक है, भंडारा अभी तक जो है ग्रीन बेल्ट में, भंडारा छोटा सा शहर है लेकिन भंडारा में अब तक। और गोंदिया के बारे में भी बता दो आपको, गोंदिया में एक पॉजिटिव पाया गया था और वो कोरोना मुक्त भी हो चुका है। इसका मतलब गोंदिया जो शहर है वो भी अब कोरोना से फ्री हो चुका है, ग्रीन जोन में हम इसको कह सकते हैं, ग्रीन जोन में है। ग्राफिक के हिसाब से हमने जो मानचित्र बनाया हुआ है विदर्भ का उससे भी आप देख सकते हैं। भंडारा के बाद में चंद्रपुर, गढ़चिरौली और वर्धा, ये तीनों शहर अपने आप में मिसाल बने हुए हैं। तीनों शहर में अब तक कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया है। हालांकि चंद्रपुर की अगर बात करें तो चंद्रपुर से 2 व्यक्ति जो है जो नागपुर में स्थायी थे, चंद्रपुर के से बिलोंग करते हैं, वो 2 पॉजिटिव पाए गए जो चंद्रपुर के रहे। जी हाँ, वो उनके बारे में आपको बता दूं कि इंडोनेशिया से उनका आगमन नागपुर में हुआ था, पिछले 24 अप्रैल को उनको क्वारंटाइन किया गया था, 24 मार्च को सॉरी। और उसके बाद एक खुशखबर उनके लिए भी है कि वो पिछले दो दिन पहले कोरोना मुक्त भी हो चुके हैं। चलिए, ये भी खुशियों की बात है। देखिए, जहां पर ये अटकलों का बाजार गर्म है, जहां पर हम लोग एक आलेख की भाई ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ कहीं चढ़ रहा है कहीं उतर रहा है, तो उसके साथ में ये भी देखना जरूरी हो जाता है कि जितने भी कोरोना से ग्रसित पेशेंट थे वो कहीं ना कहीं एक अच्छी तादाद में रिकवर भी होते जा रहे हैं, अपने अपने घरों की तरफ भी जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। जी हाँ, नागपुर की अगर बात की जाए तो नागपुर में 15 लोग अभी तक कोरोना मुक्त हो चुके हैं। जी, ये भी नागपुर के लिए थोड़ी सी खुशखबरी है। और जितने भी पेशेंट अभी कोरोना से ग्रसित नागपुर में है फिलहाल, उनकी जो स्थिति है एक समांतर स्थिति बनी हुई है।
सोचने वाली बात यह है या देखने वाली बात यह है कि इसमें सभी वर्ग के लोग हैं, कुछ बच्चियां भी हैं, कुछ छोटे वर्ग में भी हैं, 4 साल के बच्चे भी हैं, 40 साल की उम्र तक का जो एक आंकड़ा है वो भी एक ज्यादा तादाद में 45 से लेके तो 80 के ऊपर भी आंकड़ा, मतलब सभी वर्ग के लोग जो है नागपुर में कोरोना से ग्रसित है, 100 का जो आंकड़ा इसमें हो गया है। इसमें कुछ जोन जो है नागपुर में बहुत ही चिंताजनक है, उस पर इसमें आप बात करें तो ये सतरंजी नगर जोन एरिया है, ये सतरंजी नगर जोन में 46 पॉजिटिव पाए गए जो हॉटस्पॉट बना हुआ है नागपुर शहर का, और उसे सील भी किया गया है कई एरिया जो है। और बजाज नगर की बात की जाए तो बजाज नगर में 2 पॉजिटिव पाए गए थे जो इनिशियल स्टेज के थे जो, और वो कोरोना मुक्त भी हो चुके हैं। अभयंगर नगर के मार्ग की बात की जाए तो वहाँ 1 पॉजिटिव पाया गया था जी, और खामला में 7 में से कुछ लोग अब फिलहाल तो कोरोना मुक्त भी हो चुके होकर अपने घरों की ओर वो कूच कर चुके हैं जी हाँ। और ये सभी एरिया में आपको बताना चाहूंगा, सभी एरिया में बहुतांश एरिया भी सील किए गए हैं। जब कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे तब महानगर पालिका और स्थानीय प्रशासन की ओर से सभी एरिया को सील किया गया था, हर जगह नाकाबंदी की गई थी और उसको प्रॉपरली सैनिटाइजर किया गया था, सैनिटाइज किया गया था प्रॉपरली, उसकी क्लीनिंग स्क्रीनिंग सब तरीके से प्रॉपर प्रशासन की ओर से उसका काफी अच्छी तरह से ध्यान में रखा गया था जी हाँ। जरीपटका में 5 पेशेंट मिले थे जी हाँ, और जरीपटका में भी उस वक्त जब 5 पेशेंट मिले थे तो काफी हड़कंप मच गया था, कई अटकलें भी वहां पर लगाई गई थी, किसी और हॉस्पिटलाइजेशन का भी उस पर कुछ ना कुछ, और वहां पे कई लोग कोरोना मुक्त भी हो चुके हैं, तो ये एक राहत की बात भी हम कह सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि इन जगह से और कोई पेशेंट या और कोई भी कोरोना से ग्रसित ना निकले जी हाँ। और एम्प्रेस सिटी की बात बता दो, एम्प्रेस सिटी में 1 पेशेंट मिला था और गुरुवार का दिन के लिए बेहद ही अच्छा रहा जी, वो कोरोना मुक्त हो चुके जी। तो ये एम्प्रेस सिटी की बात करें तो एम्प्रेस सिटी में 1 व्यक्ति जो थे पहले से जो कोरोना ग्रस्त थे उनका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होकर अब वो कोरोना मुक्त होकर अपने घर जा चुके, गुरुवार के दिन इनको अपने घर जाने के लिए इजाजत दे दी गई है। मोमिनपुरा की बात की जाए तो मोमिनपुरा सील करके रखा हुआ है, मोमिनपुरा अब भी 9 पेशेंट वहां पाए गए और एक चिंताजनक जगह अभी भी नागपुर वासियों के लिए बनी हुई है जी हाँ। और कमाल चौक की बात की जाए, कमाल चौक और टिमकी में, कमाल चौक में एक टिमकी में एक हस्बैंड वाइफ थे, ये 2 नई चेन मिली है जी हाँ। ये हम बता दें कि ये जो कमाल चौक की जो आपने बात की ये एक दाम्पत्य है जिनको जो क्वारंटाइन नहीं थे, इनमें इनको खुद अपने ओर से कुछ लक्षण अपने आप में लगे तो इन्होंने अपने तरफ से अप्रोच किया और जब इनके टेस्ट हुए तो ये टेस्ट जो है पॉजिटिव निकले। अब ये एक फिर से खतरे की बात है कि इन लोगों ने आज जो उजागर हुए तो इन्होंने अपने पीछे कितने लोगों को और इसे ग्रसित करके रखा हुआ है, ये आंकड़े भी थोड़े से जो है थोड़े से सोचने वाली है। और शहर का भालदारपुरा एरिया आपको बता दें कि भालदारपुरा में 1 बच्ची देखी गई थी, भालदारपुरा एरिया को भी पूरा सील कर दिया गया है, भालदारपुरा में 1 पॉजिटिव पाया गया है, वो एक बच्ची थी जी। भालदारपुरा के बाद में शांति नगर में 8, कुंदनलाल गुप्ता नगर में 1 व्यक्ति जो है क्वारंटाइन थे और ये पॉजिटिव है, गिट्टी खदान में 1, कामठी भी काफी डेंस एरिया है, कामठी में भी 1, कनहान में 1, और फिर नागपुर की अगर बात करें तो नागपुर के राजीव नगर में 2, और जो अन्य प्रदेशों से नागपुर जैसे कि चंद्रपुर से 2 आए थे पेशेंट, और मध्य प्रदेश जबलपुर के कुछ पेशेंट पाए गए थे, टोटल उनके 10 पेशेंट ऐसे व्यक्ति है जो भी यहाँ पर नागपुर में पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसा है जो मेल जुला कर जो है आंकड़ा जो है 100 का जो है नागपुर में जो है अब तक 100 लोग जो है नागपुर में आज अभी तक की स्थिति तक जब तक ये आप रिपोर्ट देखेंगे और जैसे ये आंकड़े बढ़ते रहेंगे हम आपके साथ में साझा करते हैं। इस तरह का एरिया वाइज जो है मानचित्र से माध्यम से हमने आपको दर्शाने की कोशिश की दर्शकों को कि इस तरह से आंकड़े जो है नागपुर की स्थिति बनाए हुए हैं जी हाँ। गुरुवार का दिन नागपुर के लिए ठीक रहा था, वहाँ 1 भी पेशेंट नहीं मिला था, 98 में कई आंकड़ा रुका था, शुक्रवार चलते ही सुबह सुबह 2 खबर आई कि 2 पॉजिटिव पाए गए और नागपुर का आंकड़ा हो गया 100 हो गया। तो ये शतक कहीं ना कहीं आंकड़े रुकने जरूर चाहिए और कहीं ना कहीं हमें अपने आप को इस बीमारी को बढ़ाने के लिए रोकना बहुत जरूरी हो जाता है। शासन और प्रशासन की ओर से बहुत ही एक अच्छी पहल देखने को मिल रही है, जहां जहां हॉटस्पॉट एरिया है उनको सील किया जा रहा है, सैनिटाइजर किया जा रहा है, लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि अगर सतरंजीपुरा चयन या कोई चयन से आप निगड़ित हो और आपको कुछ सिम्पटम्स दिखते हैं तो बिल्कुल खुद होके सामने आए, उसे बढ़ाए ना बिल्कुल। और ये आज की स्थिति इस तरह से बनी हुई है कि आंकड़े निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। हम अगर देश की या वैश्विक बात करें तो वैश्विक चिंता यह है कि कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि ये आंकड़े
लाखों में बढ़ सकते हैं। जी हाँ, तो ये केंद्रीय टीम की, केंद्रीय टीम की जो केंद्रीय टीम की एक दल आया था, उन्होंने पूरी जांच की थी और जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके बारे में बताया था। उनकी पहल मानी जाए तो 30 अप्रैल तक जो आंकड़ा है 40,000 पार कर जाएगा। हम सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में अगर इस तादाद में अगर संख्या बढ़ती है तो आप देखिए कि देश किस तादाद में बढ़ेगा। और अगर इस आंकड़ों को हमें रोकना है तो ये सारी स्थिति, हम जितने भी लोग यहाँ पर इंडिविजुअल, ईच इंडिविजुअल हैज टू डिसाइड कि वो हमें अपने आप को इन बाकी लोगों से अलग रखे, तो इन आंकड़ों को रोकने में कहीं ना कहीं जो है हम नियंत्रण में रख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल स्थिति इमरान सचमुच बहुत चिंताजनक है। कई बार अनावश्यक लोग जो है रास्ते पर घूम रहे हैं, इससे आप प्रशासन को तंग कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा में लगे हुए पुलिस के भी आपकी और हमारे तरह ही कुछ व्यक्ति हैं, उनको भी आप तकलीफ दे रहे हैं। और अनावश्यक हमने भी देखा है, हम भी जब हमारी न्यूज टीम जाती है तो हमने देखा है अनावश्यक जो यंग जनरेशन है वो अनावश्यक रास्ते पे घूमती है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को और अपने परिवार को जो है मुश्किल में डालने का काम कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारियां, आप आने वाले देश का भविष्य है, भविष्य को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, हर एक घर की है, हर एक व्यक्ति की है। जी हाँ बिल्कुल, घर में रहे, सतर्क रहे और अच्छे से रहे। बस इसी संदेश के साथ में इस प्राइम टाइम को हम यही खत्म करते हैं। आंकड़ों के सही आंकड़ों के आकलन के साथ में हमेशा हम आपके साथ में बने रहेंगे। हम आपको इस प्राइम टाइम के माध्यम से फिर से एक बार आह्वान करते हैं कि आप अपने अच्छे से जो वीडियो हैं, चुलबुले वीडियोस है, जैसे कि अभी रमजान का महीना चल रहा है तो आपकी इबादत की वीडियोस आप भेज सकते हैं, डांस की वीडियोस आप भेज सकते हैं। अपने घर में रहिए, खुद का ख्याल रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, देश सेवा कीजिए, यही आज आप और हमारे सबकी जिम्मेदारी। और बने रहिए हमारे साथ में इन विशेष न्यूज पर। नमस्कार।